तो इस वीडियो में सिल्वर का एनालिसिस करेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2200 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट, लगभग लगभग 2.5% के आसपास नॉन स्टॉप गिरावट देखने को मिला और डे लो पे जाके क्लोजिंग भी देखने को मिल चुका है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्या इस लेवल पे बाइंग करना चाहिए, या अगेन गिरावट देखने को मिलेगा, या ये जो रेजिस्टेंस लेवल मिला था उसके आसपास किसने बाइंग किया होगा, अभी गिरावट आ चुकी है तो क्या वहाँ पे एवरेज करना चाहिए, और रही बात आने वाले दिनों में सेंटिमेंट क्या रहने वाले हैं टेक्निकल बेस के ऊपर, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। रही बात फर्स्ट टाइम विजिट करो, कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करने की। डेली बेस के ऊपर इंट्राडे लेवल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, साथ में साथ स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म एनालिसिस आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई भी चार्जेस नहीं, आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। अगेन सपोर्ट नंबर चाहिए तो 9797773219 इसके ऊपर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। रही बात मैं कोई सेमी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, जो एनालिसिस करूँगा वो 100% सही रहेगा। आप खुद का भी एनालिसिस करिए, मनी मैनेजमेंट करिए, M2M मार्जिन पे रखने के आपके पास कैपिटल होना चाहिए तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। बात करेंगे सिल्वर में, तो सिल्वर मेगा के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी का लेटेस्ट हाई की बात करेंगे तो 94500 के आसपास इसने हाई किया था, राउंड फिगर मैं 95 पकड़ लेता हूं। 95 के हाई करने के बाद यहां पे देख लीजिए, यहां पे एक बार हाई किया था फिर गिरावट, यहां पे हाई किया फिर गिरावट, यहां पे हाई किया फिर गिरावट, अभी हाई किया फिर गिरावट, मतलब 95 के रेंज को ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा, क्रूशियल एक रेजिस्टेंस लेवल्स निकल के आ रहा है। ये लेवल्स ब्रेकआउट करता है तो अगेन आपको अपसाइड की रैली जबरदस्त मिलेगा और ये रैली कम से कम 5000 पॉइंट मतलब आने वाले दिनों में 100000 तक भी आपको सिल्वर जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन जो 100000 का टारगेट है ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट करेगा तभी ये वैलिड रहेगा। अभी काफी लोगों की बाय की पोजीशन है वो कहां पे एवरेज कर सकते हैं तो ध्यान में रखिए। राउंड फिगर में 86 का पकड़ लेता हूं, 86 के रेंज के आसपास ये बहुत बार आ चुका है लेकिन ये सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्रेकडाउन नहीं कर रहा। इन द केस आने वाले दिनों में ये ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट टारगेट का सपोर्ट है लगभग लगभग यहाँ पे देखोगे तो बहुत क्रूशियल सपोर्ट है 80000 के आसपास, लेकिन ये 80000 के आसपास नहीं आएगा, लगभग लगभग 84 के आसपास ये आ सकता है, एक नया लो बना के फिर ऊपर जा सकता है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे किसी की सेल की पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 92 के ऊपर, जब तक ये निकलता नहीं है तब तक सेल की पोजीशन होल्ड करिए विद द टारगेट ऑफ 84। तो आने वाले दिनों में 84 तक के टारगेट आपको सिल्वर में देखने को मिलेगा, स्पेशली फॉर सेलर्स के लिए। सेलर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, लेकिन ध्यान में रखें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो 92 का यहां पे स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हो। फ्रेश सेल की सलाह इस लेवल पे नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो 86 का लेवल है ये क्रूशियल सपोर्ट है, ये ब्रेकडाउन नहीं करेगा, ये यहां से आता है तो फिर यहां से ऊपर जा सकता है। क्यों, क्योंकि काफी दिन से देखोगे तो आपको पता होना चाहिए इस रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जब भी 86 के आसपास आता है तो फिर ऊपर जाता है और 95 के आसपास जाता है तो फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से आप बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज करिए, इन द केस 86 के रेंज में आता है तो एक पोजीशन ऐड कर लीजिए फ्रेश बाय करने के लिए और नेक्स्ट पोजीशन आपको 84 के रेंज के आसपास करना है। दोनों बाइंग होने के बाद शॉर्ट टर्म में जो टारगेट रहेंगे 92 का और 95 का ब्रेकआउट करता है तो कम से कम 100000 के टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अभी काफी लोगों का यह सवाल होगा कि सर आप सेलर्स के लिए भी बता रहे, बायर्स के लिए बता रहे, तो हमको क्या करना चाहिए, तो आपको मैं क्लियर कट बता, तो आपके पास कोई भी पोजीशन नहीं है अभी तो मेरे हिसाब से 86 का लेवल्स के आसपास मस्त पे की एक बाइंग कर लीजिए और नेक्स्ट बाइंग आपको 84 के आसपास नेक्स्ट बाइंग कर लीजिए और शांत बैठिए, सिल्वर ऊपर जाता ही है, आने वाले दिनों में अपने आप ये ऊपर जाएगा, कुछ दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। अभी ध्यान में रखना बहुत सारे लोग यहां पे मार्जिन में ट्रेडिंग करते हैं, तो मार्जिन में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके अपोजिट मार्केट जाता है तो M2M मार्जिन बहुत पे करना पड़ता है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, तो इस टाइम पे आपके अपोजिट मार्केट जाता है तो वेट एंड वॉच कर लीजिए, एवरेज के लिए जल्दबाजी मत करिए। हाँ थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, चुपचाप वेट कर लीजिए, एक सपोर्ट के आसपास आने दीजिए, सपोर्ट जब तक आता नहीं है तब तक आपको एवरेजिंग नहीं करना है। अभी बड़ा सपोर्ट निकल कर रहा है 86 के आसपास, तब आप एवरेजिंग कर सकते हो। अभी यहाँ से आने वाले दिनों में कितना बुल मार्केट जा सकता है, तो बुल मार्केट आपको पता होना चाहिए सिल्वर में काफ़ी दिन तक मेरे हिसाब से अभी एक साइडवे जोन बन सकता है। अक्टूबर तक देखना, जब भी ये बारिश का समय आता है तो आपको एक सिल्वर और गोल्ड में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है हमेशा का, यही अभी ट्रेंड चलते आ रहा है। तो अक्टूबर तक आपको एक इस रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिलने वाला है। तो राउंड फिगर में पकड़ लेता हूँ 92 का अपसेट का रेंज और डाउन साइड का मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे 82 का। तो ये 10000 पॉइंट के बीच में जब तक ये 95 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब इस जोन में ट्रेड होते हुए देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है आपको हर एक एक हज़ार पॉइंट पे गिरावट पे बाय करते जाइए, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि जब एक साइडवे मार्केट होता है तो बड़ा बुल रन आपको नहीं मिलेगा, बड़ी गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी,
तो ऐसे सिनारियों में हर एक एक हज़ार पॉइंट पे बाय करते जाइए, हर एक एक हज़ार पॉइंट पे बाय करते जाइए, और आपके बाइंग रेट से 1,000 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो बेचते जाइए। इस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो, तो मान के चलो आप माइक्रो में ट्रेडिंग करते हो तो आपको 1,000 पॉइंट पे 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, मिनी में करते हो तो आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, और मेगा में करते हो तो आपको 30,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर लीजिए, अपने कैपिटल के हिसाब से मिनी माइक्रो मेगा में ट्रेड कर लीजिए। लेकिन ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। क्यों प्रॉफिटेबल है? क्योंकि एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता है, छोटे छोटे प्रॉफिट आप बुकिंग करके निकलते हो तो आपको अच्छा खासा स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मिल जाएगा। आने वाले दिनों में यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में कार्य करके चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डॉलर में भी ट्रेड करते हैं। तो डॉलर में ट्रेड करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑक्टा एफएक्स। ऑक्टा एफएक्स का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस साथ में मैं प्रोवाइड कराता हूँ डॉलर इंडेक्स का भी, वो भी आपको फायदा हो जाएगा। बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे बिल्कुल 29 का बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। ये लेवल्स ब्रेकडाउन होता है तो आने वाले दिनों में $26 तक भी सिल्वर आते हुए देखने को मिलेगा। अभी सेल मत करिए, सपोर्ट के आसपास है, अभी बाई भी मत करिए, सपोर्ट लेने दीजिए। अभी यहाँ से मार्केट 30 के ऊपर सस्टेन करता है तब आप बाई की पोजीशन बनाइए, अदरवाइज $26 के आसपास आता है तब बाई की पोजीशन बनाइए। अभी आपके पास सेल की पोजीशन है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, बुकिंग कर लीजिए, फ्रेश बाइंग का वेट कर लीजिए, करेक्शन का वेट कर लीजिए। करेक्शन आएगा, जब करेक्शन आएगा तब अच्छी खासी क्वांटिटी आप बाइंग कर सकते हो। रही बट डॉलर इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए कोई भी एक्सपायरी नहीं है, विदाउट एक्सपायरी से आप लॉन्ग टर्म होल्ड करिए, यहाँ पे कोई भी एक्सपायरी नहीं होता। और एक माइक्रो खरीदने के लिए सिर्फ 1,000 INR ऑलमोस्ट 15 से लेकर $10 में ट्रेड हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, साथ में सपोर्ट नंबर चाहिए तो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, उसके थ्रू भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, पूरा आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।